वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। बहुत समय बाद आया इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बहुत सारा कारण था, जैसे कि मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है, उसके लिए मेरा पट्टी था, लेकिन अभी पट्टी को मैं थोड़ा ये रखा हूँ क्योंकि मैं समुद्र आया था और ट्रेन टिकट कट चुका था, इसलिए टाइम नहीं मिला कुछ रिकवर होने का भी। बस हल्का फुल्का बस इंजॉय कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं पूरी इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का टेम्पल सब देखना है भाई, जगन्नाथ मेरे को देखना है। बहुत समय से मेरा मन था और यहाँ मैं भरपूर इंजॉय कर रहा हूँ और आपको इस ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊँगा। सपोर्ट करो, शेयर करो, बस यही दुआ, सपोर्ट करो दोस्तों, बस मिलते हैं भाई। कुछ बोल ही नहीं रहा, अभी भीख मांगने बैठे हुए हैं। तो हम लोग अभी टाटा नगर स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम लोग का सफर यहीं से हो रहा है स्टार्ट। बहुत ही ज्यादा लेट है, ट्रेन आने वाला था 6 PM शाम को, लेकिन आ रहा है रात का 12:41 AM। लेकिन साला अभी तक साला ट्रेन ही नहीं आया, इंतजार कर करके था। ए सुनो भाई, अपना दुकान छोड़ के आया पूरी जाने के लिए। पूरा बोर हो चुका है पूरा ग्रुप, एक समय एनर्जी था सब खत्म हो गया। ये तो बहुत खूबसूरत मैन आठ सुन भाई, अपना टाटा नगर छुआ लेकिन आया नहीं अभी तक। खुशी देखो, अंधेरा का नहीं सुन रहा है। इस बार पूरी का सफर में सही में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां हाथ लेके जा रहा हूँ, मजा आएगा। अंधेरा में भी चलेगा, ट्रेन का सफर तो बाकी है भाई। सुबह का 11 बजे हम लोग को जाकर वहाँ पहुँचाएगा, देखते हैं क्या सीन होता है वहाँ का। तो इतना लेट आया है ट्रेन, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, टिकट मेरे ही गलती से बना। आजा बे आजा। तो हम लोग पूरी स्टेशन पहुंच चुके हैं, पूरी स्टेशन के पास फाइनली। बहुत रात बहुत मुश्किलों से पार हुआ, अब देखते हैं आगे का। ओ बाप, बहुत नीचे चले। बस पहुंच गए गाइस हम लोग, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सफर का और चल रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बढ़िया था, बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था भाई। बहुत अच्छा सफर रहा, एकदम सोच हो गया है। बस सबका धीरे धीरे राय पूछ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समुद्र कैसा होता है। हम तो फर्स्ट टाइम आए भाई, सॉलिड सॉलिड आइटम लोग भी है। दिल नहीं लगता तेरे बिना, मेरे को तो भाई जगन्नाथ टेम्पल देखना और कुछ नहीं बस। तो हम लोग अभी पुलिस स्टेशन से निकल रहे हैं, हम लोग का चेकआउट हो गया है, टिकट भी दिखा दिए, तो यहाँ से निकल रहे हैं सीधा हम लोग होटल का तरफ। अभी देखते हैं, बहुत भूख भी लगा तो देखते हैं रास्ते में कुछ खाने पीने लायक मिल जाए तो अच्छा है। साधन का देख रहे हैं, बहुत भारी है। लोकेशन आ जाना चाहिए 8 बजे तक, रिटर्न बेस लोकेशन। ये जो पंखा सब का आप रोड देख रहे हैं कितना लंबा लंबा सब है, बहुत लंबा लंबा पेट। और नीचे यहाँ आदमी लोग स्नान करते हैं रात रहने के लिए, नाइट रहने के लिए। नाइट आईफोन में अजीब सा फिल्टर कर दे रहा है। मेरा देश महान, क्या बोला? मसाज है क्या भाई? पूछो पूछो, चलिए चलिए चलिए। हम लोग बैठ चुके हैं टेम्पो में, आईफोन का मैंने अभी तक सेटिंग नहीं किया पर सेटिंग करूंगा मैं आराम से। ओ भाई मत कर, सुखदेव भाई है अपना, पूरा स्मार्ट है। नहीं इंसान पे कितना ही भरोसा करेगा, इंसान जानता ना, इंसान ही ऐसा चीज है जो चुतिया है और एक तो अच्छा है। गाड़ी और दे देगा, हम लोग पूरा घूमेंगे। गाड़ी दे दो, लाइसेंस दिखा रहे हैं, गाड़ी दे दे, वो भी नहीं दे पाएगा। और बस ड्राइवर क्या लड़ा, इतना बड़ा नहीं है, चलाते बस सर।
गया खत्म। 2000 का 3000 का तेल चला इधर ज्यादा, पर एक ड्राइवर खड़ा गाड़ी से मार रहा था। इनका कभी किया इनका एक बार जाओ छिलका जी। हाँ कितना किलोमीटर है? ऐसे 60 किलोमीटर दे नहीं हाल है। तो हाँ भागे क्या भाई स्टेशन से आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ा क्योंकि हमें रूम नहीं मिल रहा था। लगभग 3 से 4 रूम हम लोगों को रिजेक्ट करना पड़ा। किसी का रेट बहुत ज़्यादा था, किसी का प्राइस सही में बहुत ही ज़्यादा था। तो आपस में ग्रुप लोग बातचीत किया, सेट किया, उसके बाद जाके हमें ये वाला रूम मिला है। ये वाला रूम सही में बहुत ही बड़ा है। नहीं रहेगा बिना मोबाइल है। ले ले रूम बंद करो, रूम बंद करो नाइट ड्रेस वालों। तो बस रेस्ट हुआ कंप्लीट। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे रूम को लॉक करके। खिड़की खुला हुआ है क्योंकि ज़्यादा गर्मी ना लगे जब आए। यहाँ सब कोई खड़ा है पूरा रोल में। तो हम लोग अभी तैयार हो गए पूरा पूरी। दोस्त लोग निकल रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। होटल से निकलने के बाद अभी सीधा कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ देख सकते हैं आप लोग जा रहे हैं। अभी जाके कुछ पेट पूजा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत भूख लग रहा है। उसके बाद बीच का मजा लेंगे, पूरा मजा पूरा फुल मजा करेंगे और कुछ नहीं। चाबी दे चाबी लगा है ताला चाबी ले लो। क्या करेगा टोपी? टोपी हमारे को 4 रुपए सूट करे। मेरे को दे भाई मेरा टोपी। तो अभी हम ज्यादा हीरो लग रहे होंगे ना। दे ना टोपी। बस हम लोग रूम से निकल चुके हैं और अभी ट्रेन भी यहाँ लेट से पहुंचा। लगभग ट्रेन हम लोग का यहाँ पहुंचा 11 बजे। 11 बजे आने के बाद हम लोग बातचीत किए लोगों से। बातचीत करने के बाद अभी हम लोग सीधा सीधा निकल रहे। ग्रुप भी आगे चल रहा है और हम पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ से 6 मिनट का दूरी पर समुंदर है, वहाँ देखते हैं। तो उससे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद ही आगे का सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। और मेरा हाथ भी थोड़ा फ्रैक्चर है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, पट्टी को हटा दिया। मिलते हैं फिर, बने रहो। पूरी का लाइब्रेरी है जहाँ पर उड़िया में कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम लोग का चलते चलते 2 से 3 मिनट हो गया लेकिन हम लोग अभी तक बीच पहुँचे नहीं। धीरे धीरे जा रहे हैं। हाँ बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बस पहुंच जाएंगे। हमारा लीडर पूरा हैवी रोल में भाई। तो हम लोग को यहाँ होटल दिखा और हम लोग यहाँ बस क्या चिकन भात खाएंगे और ये बिरयानी खाएगा। इधर हम लोग का लीडर ये है राकेश मामा, हम लोग का लीडर है। साधन कहाँ गया आई डोंट नो। साधन इधर है, साधन भी बिरयानी खा रहा। साधन दोनों भाई भाई बिरयानी खा रहा और ये मुर्गा भात खा रहा और हम भी मुर्गा भात खा रहे हैं। पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बीच में जाकर एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं। तो बिरयानी निकल रहा धीरेज का और ये देख रहा है इसको बहुत भूख लगा है शायद। देखिए दोनों भाई लोग बिरयानी कैसे धांसे जा रहा है। पका पाक देखो अंडा का साथ। बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ भाई, बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। आ गया मेरा खाना। ये करेला का है, ये आलू है, ये अचार है और ये सलाद और ये चिकन है और मेरा भात दाल भात। अभी इसको खाएंगे पूरा। खेलूँगा तो हो गया, बस अभी मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। लोगों होटल में खाना पानी हो गया, बिल भी अच्छा खासा चढ़ गया। तो अभी हम लोग सीधा चले बीच में, हम और सुखदेव आ गए हैं। बाकी का लौंडा लोग पीछे है, पता नहीं कब आएगा। वो जो आगे दिख रहा है वही अटर है। बाप रे बाप, सच में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या टूरिस्ट लोग कैसे कैसे करके जा रहे हैं पूरा भर भर के और सब भींग के आ रहा है। सैंडल पहने हुए हैं, उसमें भी पूरा बालू बालू हो जाएगा। जो सपना था बहुत टाइम से, सब कुछ अवेलेबल है। बोटिंग भी हो रहा है, बोटिंग भी हो रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। अभी कहाँ ही है लोग, आया नहीं अभी तक। तो अभी जब तक ग्रुप नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं। नहीं करेगा फोटो शूट है, बहुत जोर से बारिश भी होने वाला है। आप लोगों को वो बोट दिख रहा है, वो वाली बोट पता नहीं कैसा आएगा। पूरा खचा खचा भी तो भीड़ है, ज़्यादातर कोना में भीड़ है। ये भी पूरा ब्लॉग शूट कर रहा है मेरा जिसे देख के। आए आए हो जाएगा ले ना। वाह ब्यूटीफुल बीच, ओ फक यू। तो हम लोग सब रेडी हो गए जाने के लिए। ये तो हम लोग का बोल ले बोल ले बोल ले अबे अबे ग्रुप लोग हम लोग का पहुंच गया और हम लोग अभी चलेंगे बीच का पास।
अरे ये बोल रहा है तू हिंदी बंगाली थोड़ा फुल एंजॉय का साथ पूरी का बीच में जब स्टेशन से उतरे हाँ हाँ जा रहे जब स्टेशन से उतरे तब एक प्रॉब्लम हुआ रहा ऐसे तो रात भर नींद आया नहीं हम लोग को वहाँ दिक्कत हुआ फिर एक एजेंट से मिलना पड़ा जो मतलब ब्रोकर था दलाल था मतलब वो हम लोग को ये कुछ कुछ ये कर रहा था तो हम लोग का ग्रुप पूरा हैंडल किया बहुत टाइम बाद हम लोग को जाकर रूम मिला फिर रूम से आए और हम लोग का सामने ये देख सकते हैं ऊँट है बहुत मस्त सजाया गया है सफ़र के लिए हाई ऊँट इतना गजब लग रहा है ऊँट ऊँट का साथ एक सेल्फी उठ तो रेगिस्तान में दिखता लेकिन पता नहीं आज पूरी का बीच में कैसे दिख गया हाँ भाई साहब लहर तो बड़ी गजब आ रहा है लहर तो बहुत खतरनाक आ रहा है और हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है पूरी का बीच में तो यहाँ और भी उठ है बहुत उठ है इधर और इधर वो होटल सब है महंगा महंगा होटल्स ये सब है महंगा महंगा होटल सब मैं तो चला पानी में का भी अलग ही मजा है बट ये पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन है और मेरा चश्मा भी गुम हो गया तो मैं फिर चला अपना फ्रेंड लोगों के पास देख सकते लहर कैसे दे रहा है बहुत इंजॉय कर रहा अपना पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन है उस तरफ भी बहुत सारा और इधर भी बहुत भीड़ है कुछ बोलने लायक नहीं है लगता मुझे सर्दी हो जाएगा आँख सब भी पूरा लाल हो गया देख के लगता है अब मैं चला ऊपर की ओर अपना दोस्तों के पास और मेरा चश्मा गुम हो गया मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे टेंपल के पास भी जाके मुझे फ़ोटोशूट करना था मौसम वेदर भी आज अच्छा है ठंडा ठंडा मौसम गर्मी रहता तो रेत सब भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बस जैसा का तैसा हो रहा है बहुत ही नमकीन है बस वीडियो लगता है इतना ही दूर बनाना होगा और कुछ नहीं मैं हाल फिलहाल मैं शादी घर गया था इसका कारण क्या बोलूँगा तो मैं मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था फिर उसका दूसरे दिन जैसे कि 12 तारीख हम लोगों का टिकट कट चुका था बस मेरा नींद कंप्लीट नहीं था फिर भी मैं दोस्तों का साथ आया गाँव से आने के बाद मैं सीधा हरीश भाई से मिलने गया हरीश भाई ने भी मुझे 5 रुपये का सिक्का दिया बोला कि जाके जाओ
समुद्र में उसको विसर्जन कर देना। मैं उसे विसर्जन कर चुका हूँ लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया था। ट्रेन में चढ़ते समय भी बहुत ज़्यादा दिक्कत और तकलीफों का मेरे सामना करना पड़ा। ऐसे भी रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर होटल बुकिंग करने में हम लोगों को एक दलाल ब्रोकर मिल गया था रास्ता में। ब्रोकर पता नहीं कैसा बात किया तो हम लोगों का ग्रुप का लड़का लोग सब कुछ हैंडल किया। हैंडल करने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लिए, उसके बाद एक होटल में जाके खाए पिए, उसके बाद सीधे समुंदर में आए जो आप लोग देख सकते हैं। और बस कंटिन्यू रहेगा, आप लोग बने रहो, बहुत ही इंजॉय आ रहा है। ये पूरी है, मेरा चश्मा खो गया लेकिन क्या ही करूँ। मिलेगा बस आज का नहाना इतना ही हुआ, अब कल का दिन देखते हैं। अभी हम लोग चले ढाब पीने, सब कोई निकल चुका अपना अपना एरिया से, और एक जन पता नहीं कहाँ पर है। हाँ सुखदेव आगे बढ़ गया, पता नहीं हुआ किसी का चप्पल छूटा हुआ है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ढाब पीना है और देखते हैं क्या क्या मिलेगा रास्ता में। खाली पे हाँ खूब में घुस गया, बहुत पानी निकला, बहुत सारा फोटो भी खींचा है जो आप लोगों को दिखाएंगे, शेयर करेंगे। और आप लोग लाइक करो, शेयर करो, बस इसका फेस और इसका फेस मेरा फेस सेम है, इसमें कोई ये नहीं। मंदिर जाना होगा वहाँ पर, पता नहीं कैसा लगेगा, कोशिश करूँगा अच्छा सा अच्छा वीडियो उतारूँ मंदिर का, बस और कुछ नहीं। हाथ में भी चोट लगा इसलिए दर्द तो हो रहा अभी भी, फिर देखते हैं। हम लोग चले सीधा अब होटल के तरफ, होटल में जाकर नहाएंगे क्योंकि पूरा शरीर नमकीन हो चुका है, हाथ में चप्पल और कपड़ा है, खाली पैर है जैसे कि आपको पहले भी बताया। अब वहाँ जाके नहा धुआ के अच्छा ड्रेस पहन के मंदिर तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है।